हाय भारत, मैं हिमानी आपके लिए लेके आई हूँ आज का न्यूज बुलेटिन। कोरोना के चलते भारत में ऐसा पहली बार होगा कि शिक्षक दिवस के दिन शिक्षक और बच्चे दोनों ही दूर होंगे। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को जबकि पूरी दुनिया में 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। रिया चक्रवर्ती की भाई शोविक और सैमुल को मुंबई पुलिस ने ड्रग्स कनेक्शन के लिए गिरफ्तार किया। आज ही के दिन शहीद हुई थी निर्जा बनोट, अपनी जान पे खेलकर 359 यात्रियों की बचाई थी जान। भारत सरकार द्वारा अशोक चक्रवर्त और पाकिस्तान और अमेरिका द्वारा वीरता सम्मान दिया गया था। भारत चीन तनाव को बेहद खतरनाक बताते हुए अमेरिका ने जरूरत पड़ने पर भारत की मदद करने का ऐलान किया। ट्रंप ने मोदी को अच्छा दोस्त बताया। पंजाब के 64 करोड़ स्कॉलरशिप के घोटाले के विरोध में साधु सिंह धर्मसरोठ के विरुद्ध आपके साथ अकाली भी उतरी मैदान में। पहले आपके 9 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज और अब अकाली के 4 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज। अरविंद केजरीवाल द्वारा पंजाब में ऑक्सीमीटर मुहिम के बाद अब कैप्टन सरकार द्वारा भी 50,000 ऑक्सीमीटर खरीदने के लिए टेंडर दिया गया। कंगना रनौत और महाराष्ट्र के बीच विवाद धमकियों तक पहुंचा। कंगना ने कहा, मैं मुंबई आके दिखाऊंगी, किसी के भी बाप की हिम्मत है तो रोक के दिखाए। कांग्रेस ने इसके पीछे बीजेपी का हाथ बताया, जबकि बीजेपी इस मामले से खुद को दूर रख रही है। 1984 के सिख दंगों के दोषी सज्जन कुमार को जमानत देने में सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। यूपी में पाकिस्तान जिंदाबाद वाईफाई नेटवर्क मिलने में पुलिस जुटी जांच में। यूपी में छुट्टी ना मिलने पर सिपाही ने एएसआई पर चलाई गोली। भारत में पबजी बैन होने से चीनी कंपनी को 14 अरब डॉलर का हुआ नुकसान। भारत में लगभग 18 करोड़ लोगों ने गेम डाउनलोड की थी। पबजी की जगह अब भारत में चलेगी 4G, अक्षय कुमार ने ट्वीट करके बताया। भारत में कोरोना के एक दिन में 86,000 मामले आने से संख्या 40 लाख के पार। सीमा पर चीन के साथ तनाव चलते भारत व रूस ने बंगाल की खाड़ी में युद्ध अभ्यास शुरू किया। दुनिया की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है।